महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में सरकार बदल जाएगी। ये दावा है एनसीपी नेता शरद पवार का। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 30 सीटें जीतकर महायुति को चारों खाने चित करने वाली महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का आभार व्यक्त करने के साथ विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। सत्ता का दुरुपयोग हुआ, कई लोगों को बिना किसी कारण जेल में डाला गया, जिसका विरोध लोगों ने किया। राज्य में 3 महीने में सत्ता बदल कर रहेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी धर्म के लोगों ने मतदान किया। हार के कई कारणों में प्याज भी एक मुद्दा रहा। इस पर बीजेपी पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्याज के कारण तो बीजेपी को चुनाव में रोना ही पड़ा, अब साथियों की वजह से भी रो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी मुक्त राम होने का दावा भी किया। एकत्र पत्रकार परिषद घेता, पूरे देश में एक माहौल था कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता। वो कितना खोखला था ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। ये लड़ाई आर्थिक दृष्टि से भी विषम थी, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई थी, लेकिन ये अंतिम विजय नहीं है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में सबसे बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जो 15 में से 13 सीटें जीतकर महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश को नकार कर जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है और अब विधानसभा में भी हमारी जीत निश्चित है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी हाल ही में तीनों दलों की एक बैठक हुई है। जिस तरह लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उससे भी अधिक जोर से हम एक साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। संवाददाता सम्मेलन में संविधान बदलने के फेक नैरेटिव का भी सवाल उठा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र चुराने और जमीन छीन लेने के बयानों का हवाला देकर उन्हें टाल दिया। चुनाव परिणाम के बाद इस बात की चर्चा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के कुछ नेता वापस जा सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ही शरद पवार ने भी उन्हें वापस लेने से इनकार किया। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद महाविकास आघाड़ी उत्साह में है, लेकिन जीत का असली हीरो कौन है और विधानसभा चुनाव में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इस पर एक राय होनी बाकी है। खासकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच जारी खींचतान एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि राज्य में इतनी बड़ी जीत के बाद भी तीनों प्रमुख घटक दलों को एक साथ एक मंच पर आने में इतनी देरी लग गई। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।